विगत कई दिनों से हम लोग गोंडा में विश्वविद्यालय स्थापना को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन शासन के कानून पे अभी तक क्यों नहीं रहेगा। महोदय, आपसे साधन निवेदन है कि हमारे गोंडा जनपद में जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाए, जिससे आम गरीब घर के छात्र जाके यूनिवर्सिटी में अपनी पठन पाठन की प्रक्रिया पूरी कर पाए। शिवम पांडे, छात्र पंचायत संयोजक। विगत कई दिनों से हम लोग प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। तमाम संगठनों के द्वारा भी ज्ञापन दिया जा चुका है कि गोंडा में विश्वविद्यालय की स्थापना हो, लेकिन प्रशासन ने पता नहीं क्या रुख अपना रखी है कि हमारी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। तो हमें भैंस और प्रशासन में कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा था। हमारे यहाँ एक कहावत है, भैंस के आगे बेन बजाय से कुछ मतलब नहीं निकलता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग प्रशासन को ज्ञापन दे रहे थे, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि आज भैंस को ही ज्ञापन दे दिया जाए, इधर से ही कुछ न कुछ रिस्पांस मिल जाए। और यूनिवर्सिटी के लिए आज हम सभी लोगों ने भैंस को ज्ञापन दिया है, पता नहीं इसके माध्यम से हमारी आवाज पहुंच जाए, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों के आगे हम लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो जब तक गोंडा में विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं होगी, इसके लिए हम लोग लड़ाई कंटिन्यूअस लड़ते रहेंगे। विश्वविद्यालय हमें चाहिए, विश्वविद्यालय लेकर आएंगे, विश्वविद्यालय हक हमारा, विश्वविद्यालय अधिकार हमारा, विश्वविद्यालय गोंडा मांगे, विश्वविद्यालय अधिकार हमारा, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी गोंडा मांगे, विश्वविद्यालय हमें चाहिए, विश्वविद्यालय लेकर आएंगे, विश्वविद्यालय गोंडा मांगे, विश्वविद्यालय गोंडा मांगे, विश्वविद्यालय वी वांट यूनिवर्सिटी भारत माता की जय।